बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि फेसबुक पर हमने HTML स्टडी के HTML को किस तरह ऐड करना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ ही स्टेप में, कुछ 4-5 मिनट्स में इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे कि स्टडी के HTML हम क्यों फेसबुक में ऐड करते हैं और किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो ये कि स्टडी के HTML हम प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब फेसबुक पेज को हम जब प्रमोट करते हैं तो उसके लिए हम स्टडी के HTML यूज़ करते हैं। और दूसरा ये कि हम एक यूट्यूब की वीडियो को डायरेक्टली शो करवा सकते हैं स्टडी के HTML के ज़रिए फेसबुक पेज पे, और हमें व्यू यूट्यूब पर मिलेंगे। तो अभी आते हैं यहाँ पर, हम क्रोम को ओपन करते हैं। अभी यहाँ पर मैं नीचे लिंक एक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके अब आपके साथ ये मेन्यू ओपन हो जाएगी। ये इस मेन्यू ओपन करने के बाद कुछ ही स्टेप आपने फॉलो करना है। स्टेप 1 में इसको इंस्टॉल नो पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद हमने क्या करना है, एड स्टडी के HTML टू अ पेज, हमने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे साथ सेलेक्ट दी पे फेसबुक पेज टू एड, मतलब स्टडी के HTML के लिए कौन सा पेज हम सेलेक्ट करें, जो पेज हमने वहाँ पे ऐड करना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, ZA की कैट टीच पे क्लिक करके ऐड पेज टैब, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर एरर शो हो रहा है। ये हमारे साथ 2019 में ऐसी पॉलिसी आई है फेसबुक में कि हमारे पेज पर जब तक 2000 लाइक नहीं होते तो तब तक हमारे साथ वो क्या होता है कि हमें ये परमिशन नहीं देता कि हम इसको, इस स्टेप को, कस्टम स्टेप को हम अपनी पेज पे अलाउ करें, इस स्टेप को यूज़ कर सकते हैं। पर हमारा सिर्फ मकसद वीडियो में यही था कि हम आपको डायरेक्टली ये लिंक दे दें और इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।